जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर साल करीला में लगने वाला मेला सबसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला होता है, रंग पंचमी पे जो लगता है। तो रंग पंचमी के ठीक 25 दिन बाद चैत्र पूर्णिमा को एक बार फिर से यहाँ मेला लगता है। तो दोस्तों, चलिए आज हम चलते हैं करीला के मेले में, और वहाँ चल कर के वहाँ की राय नृत्य और वहाँ की जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप इधर से आएँ तो यह विदिशा रोड से आ सकते हैं, और इधर से आएँ तो अशोक नगर से आएंगे। इधर से तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और देखिए यह मेन गेट है, और एक करीला जाने का रास्ता है माँ जानकी के धाम में। आपको मैं लेकर चलता हूँ, और वहाँ का जो राई नृत्य है फेमस, उसको मैं दिखाऊंगा, बुंदेली राई जिसे हम लोग बोलते हैं, और वहाँ के मेले के कुछ व्यू भी आपको दिखाऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए चलते हैं करीला। यह करीला का मेला जो है हर साल लगने वाला सबसे बड़ा मेला होता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा मेला यही है, हर साल लगने वाला। तो दोस्तों, अभी हम रंग पंचमी के एक दिन पहले ही मेले में आ चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं करीला मेला में, और देखिए यह झूले लगे हुए हैं। इधर मेला की तैयारी जोरों शोरों पर है। देखिए दोस्तों, आपको बता दूँ, इधर से चल के इधर देखिए झूला लगे हैं, और यह एक झूला इधर है। इधर दोस्तों सर्कस लगा है, और मेले की जो तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से है। इधर चारों तरफ दुकानें लगा ली गई हैं। देखिए इधर कुल्फी का ठेला भी लगा है। तो देखिए दोस्तों, झूला चालू हो गए हैं, यह देख सकते हैं आप। और अभी रात को यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग मेले को देखने आते हैं।
और मैदान जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो जी हाँ देखिए दोस्तों, दोनों साइड में मेला की दुकानें लगा दी गई हैं। देखिए करीला मेला का बहुत नज़ारा दोस्तों, बहुत विशाल मेला होता है, हर साल लगने वाला। यहाँ पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मात्रा में तैनात होती है रंग पंचमी के अवसर पर, क्योंकि यहाँ विशाल मेला जो लगाया जाता है और सर का।